जो तो हमने आज जो तो जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई साहब को जो तो एक मेमोरेंडम दिया है हमने, और हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब के हिदायत पे हमने आज इस मेमोरेंडम दिया है, और हमको कानून पे भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो तो उस पर कार्रवाई होंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे MIM पार्टी के सभी कार्यकर्ता से दरख्वास्त करता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं ईस्ट का प्रेसिडेंट हूँ शेख दस्तगीर, और आज जो है तो हमने एक मेमोरेंडम दिया जो गुस्ताख रसूल हमारे मलून शैतान इब्लिस, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा, वसीम रजवी, इन्होंने जो है तो बार बार जो है तो इसी तरह से जो तो इस्लाम को टारगेट बना रहा है, और इसके पहले भी जो है तो कुछ कुरान शरीफ के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला था उन्हें, लेकिन उसकी याचिका रद्द होने के बावजूद भी उसको शर्म नहीं आ रही, उन्हें वापस अभी एक कोई किताब बनाया है, उसके अंदर जो है तो अनाप शनाप जो तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ लिखा है, उसके खिलाफ़ जो तो हमने आज जो तो जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई साहब को जो तो एक मेमोरेंडम दिया है हमने, और मेरे साथ में जो तो हमारे सभी साथी मौजूद थे, हमारे नुसरत पहलवान है, हमारे यूथ के अध्यक्ष जो तो शोएब भाई है, अवेश दुर्रानी साहब है, हमारे मुजीब भाई है, अल्ताफ भाई है, डॉक्टर मुइन साहब है, हाजी अख्तर साहब है, और हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब के हिदायत पे हमने आज इस मेमोरेंडम दिया है, और हमको कानून पे भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो है तो उस पर कार्रवाई होंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे MIM पार्टी के सभी कार्यकर्ता से दरख्वास्त करता हूँ कि हर जगह जो तो मलून के जो तो आप जो है तो कंप्लेन करो, तो उसको जो तो इतने पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में उसकी पूरी बाकी बची हुई ज़िंदगी जो तो ख़त्म हो जाना, लेकिन उस पर से केसेस ख़त्म नहीं होना। और दूसरी मैं जो तो और एक आपके चैनल के माध्यम से जो तो अपील करना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर को हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब ने आरक्षण के लिए जो तो 11 दिसंबर को मुंबई में आज़ाद मैदान पे एक बड़ा धरने का प्रोग्राम रखा गया, तिरंगा रैली जिसको नाम दी गई है, और आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि उस तिरंगा रैली में आप सभी शिरकत करो, और शिरकत करके जो तो उस मोर्चे को कामयाब बनाई। सर, जैसा आपने तिरंगा रैली के बारे में कहा, लेकिन आज भी जनता में कन्फ्यूजन, लोगों में चर्चा है कि आखिर तारीख कब है, दिन कब है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप दर्शकों को? बिल्कुल, 11 दिसंबर को जो तो इंशाल्लाह हम मुंबई जाएंगे, कोई जगह कोई ऐसा कुछ मैदान? आज़ाद मैदान। जावेद पटेल एक ऐसा नौजवान है दोस्तों, जिसने जो सोशल मीडिया पर चैनल चलते हैं उसमें एक तिरंगा बचाया है, और जब आप के नाम से इनका चैनल चलता है, और शहर की हर छोटी बड़ी खबर ये हालात वहां कैसे ही हो ये आप तक पहुंचाते हैं, उनके जन्मों में एलिया से पानी सभा अपने हाथों से जावेद पटेल साहब के खिदमत में अवार्ड पेश करवा रहे हैं। जावेद भाई सामने, अब अल्ताफ हुसैन एक ऐसा नौजवान है जो कुरान मजीद का हाफिज भी है, बेहतरीन जुड़ोकार भी है। मैंने इनकी एक गाना इनका सुना था जिसमें वो अफगान जलेबी बहुत अच्छा गाते हैं, और सहाफत में जब उन्होंने कदम रखा तो भी वहां तहलका मचाया, और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग और अखबार अपडेट के लिए कर रहे हैं। कदीर मौलाना साहब से दरखास्त है, खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।